महानगर में लगने वाले जाम की समस्या से मुक्ति दिलाने के उद्देश्य से यातायात पुलिस और नगर निगम के संयुक्त प्रयास से वैकल्पिक डिवाइडर बनाया जा रहा है। गुरुवार को एसपी ट्रैफिक आदित्य प्रकाश वर्मा की देखरेख में काली मंदिर से लेकर असुरन चौक तक सीमेंट के बने वैकल्पिक डिवाइडर लगाया गया, जिससे लोगों को जाम की समस्या से निजात मिल सके। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी ट्रैफिक आदित्य प्रकाश वर्मा ने कहा, ये एक्चुअली असुरन से लेके काली मंदिर रोड तक जो है सदैव जाम लगा रहता है, तो उसको दृष्टिगत रखते हुए वैकल्पिक डिवाइडर के रूप में हम लोग इस नगर निगम के सहयोग से इसको हम लोग पूरे डिवाइडर्स लगवा रहे हैं, जिससे कि यहाँ पे कभी जाम ना लग सके और जनता को सहूलियत हो सके। अब अस्थाई ये तो टाउन प्लानिंग की बात है, बाकी हम लोग टेम्परेरी रूप से इसको हम लोग कर रहे हैं और एक तरीके से अस्थाई बैरियर ही है, ये सीमेंट के बैरियर है, मजबूत बैरियर है, ये परमानेंट बैरियर ही है एक तरीके से। कहाँ तक अभी लग रहा है ये पूरा? हम असुरन पुल से लेके काली मंदिर तक लगाएंगे इनको हम लोग। वहाँ पे स्पेस अभी नहीं है, तो अभी जब स्पेस देख लेंगे कहाँ पे रखना वहाँ पे व्यवस्था कराएंगे हम लोग। उस तरफ भी जहाँ जहाँ पे डिवाइडर के कारण जाम लग रहा, डिवाइडर ना होने के कारण जाम लग रहा, वहीं पे हम लोग इसकी व्यवस्था करा रहे हैं।